दोस्तों, आपने प्लस टू कर ली है या फिर आपके प्लस टू के एग्जाम चल रहे हैं और आपको पता है कि ये अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है और आप लोग आईएलटीएस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। मुझे पता है आजकल ज्यादा ट्रेंड है कि हम जैसे ही प्लस टू करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला टारगेट हमारा यही होता है कि हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अपनी आईएलटीएस को सक्सेसफुली कम्प्लीट करें। लेकिन आप लोगों को आईएलटीएस स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे काम करने हैं ताकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपकी स्टडीज में गैप भी ना बढ़े। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप अपने जो फ्रेंड्स जो पिछले साल से या पिछले दो साल से आईएलटीएस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना। वो आपको जरूर बता देंगे कि हमारे साथ भाई ऐसा ही हुआ है। प्लीज आप लोग ये गलती मत करें। तो कुछ ऐसी ही चीजें जो आपको आईएलटीएस करने से पहले करनी चाहिए, वो चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आप हर चीज को सक्सेसफुली, अपने ड्रीम्स को टाइम पे हर चीज कर पाए। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह सोहल। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए आने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आईएलटीएस शुरू करने से पहले आपको ना बेसिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है ग्रामर। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं आपको कुछ लाइव चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीजें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जब आईएलटीएस में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको पता है कि आईएलटीएस के चार मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। लेकिन आप लोगों को कोई भी इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि आपको ग्रामर की क्लासेस लेनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ग्रामर होती है उसकी फीस कम होती है और जो आईएलटीएस होती है उसकी फीस जनरली ज्यादा होती है। मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पर मान के चलें तो ग्रामर की फीस अराउंड 3,000 to 4,000 होगी या मैक्सिमम 5,000, और वही आईएलटीएस की फीस जो है वो 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। कुछ इंस्टीट्यूट तो 17,000 भी लेते हैं। तो वो क्यों आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमें 4,000 दो या 5,000 दो। लेकिन ये आप लोगों का दिमाग होना चाहिए कि आपको ये चीज पहले करनी चाहिए। वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा ग्रामर में अच्छे नहीं है लेकिन उनका आईएलटीएस करने का ड्रीम है, तो सबसे पहला स्टेप आपको आईएलटीएस की जो ग्रामर है, आईएलटीएस की ग्रामर नहीं, मतलब जो इंग्लिश की ग्रामर के बेसिक्स पार्ट है वो कवर करने। ठीक है जी, वो कौन कौन से पार्ट हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहले है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो अच्छे से कवर करने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे पहली चीज आती है नाउन। ठीक है जी, नाउन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सेंटेंस लिखना आ गया या सेंटेंस बनाना आ गया तो आपको ग्रामर आती है। जो नाउन है वो सेंटेंस बनाने से पहले का पार्ट होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सारे जो होते हैं ये आपको सेंटेंस बनाने से पहले आने चाहिए। और नाउन जो होते हैं वो तो ट्रू, फॉल्स, नॉट, गिवन, जब आप रीडिंग की ब्लैंक सॉल्व करेंगे इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रोनाउन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि मैं क्या बताऊं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उसी प्रकार से वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन कि ट्रू, फॉल्स, नॉट, गिवन में ये जो वर्ब, एडजेक्टिव और इसके ऊपर बहुत सारे ट्रू फॉल्स बने होते हैं, लेकिन अगर आपको ये आते ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रपोजिशन की बात करें तो बहुत सारी लिस्ट होती है प्रपोजिशन की, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसमें अराउंड 30 to 40 प्रपोजिशन जो मेन होती है वो आपको करने चाहिए। कंजंक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेंटेंस कम्प्लेक्स बनाने के लिए कंजंक्शन के बिना आपके सेंटेंस बनते नहीं है। तो आईएलटीएस की राइटिंग में अगर आपको 6 से ज्यादा चाहिए तो कंजंक्शन का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ऑल्दो है, ठीक है, येट है, डिस्पाइट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस होती हैं जो आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको सीख लेनी चाहिए वो है टेंसिस, मॉडल्स, पैसिव और लास्ट में बताना चाहूंगा जीरेंट। ये चार चीजों के ऊपर पकड़ आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। सिंपल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाहे आपको किसी लोकल टीचर से 2 मंथ, इवन 3 मंथ भी लग जाएं, लेकिन आपको ये काम पहले करना है आईएलटीएस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, किसी आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना है, किसी लोकल टीचर से आपने सीखनी है ये सारी चीजें। तो यार इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं तो इस पे लाइक तो बनता है यार, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये सारी चीजें आपने सीखी है तो आईएलटीएस आपके लिए सिर्फ 2 मंथ्स का खेल है, 2 मंथ्स में आप क्लियर कर जाओगे। दूसरी चीज, आपको जो सिलेक्शन करनी है इंस्टीट्यूट की वो बड़ी केयरफुली करनी है। जब आप ये दो
मंथ या वन मंथ में भी किसी स्टूडेंट का हो सकता है, अगर किसी स्टूडेंट को ये सारा कुछ आता है, लेकिन एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है, 15 दिन, 20 दिन, वन मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल कैसा है। तो आपको आईएलएस इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन सेकंड ऑप्शन में मैं बताऊंगा कि आईएलएस इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन बड़ी केयरफुली करनी चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, आपको वो बड़ा इंस्टीट्यूट चूज करना है जो थोड़ा सा आपके ऊपर इंडिविजुअली अटेंशन पे करे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको ग्रुप में बिठा के आपको बोल दिया आप कर लो जी, ठीक है जी, वो है जी, आपको थोड़ा सा आपकी पेन को समझ के आपको किस वेरिया एरियाज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर आपको आपका इंस्टीट्यूट जो है वो अटेंशन दे। उस प्रकार का इंस्टीट्यूट आपको चूज करना जो उस इंस्टीट्यूट आपको कुछ आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फोकस किया जा रहा है, तो वो आपके काम की चीज नहीं है, क्योंकि मे बी हो सकता है आपका लेवल इतना अच्छा नहीं है और जो क्लास में दूसरे स्टूडेंट बैठे उनका लेवल आपसे कहीं ज्यादा बढ़िया हो, उनको तो समझ में आ रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वो वाला इंस्टीट्यूट छोड़ देना चाहिए, दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको थोड़ी वकैब भी अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं मई में या जून में ज्वाइन करने का, मे बी कुछ स्टूडेंट रिजल्ट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं कि जब प्लस टू का रिजल्ट डिक्लेयर होगा या उनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब वो स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप थोड़ी वोकैबुलरी अपनी जो है जरूर बूस्ट करें। आप कोई भी चैनल देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या फिर आप कोई भी कैम्ब्रिज की बुक लेके वहां से आप रीडिंग ट्राई कर सकते हैं और वहां से जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर आपको 20-30 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, जितने भी आप मैक्सिमम लिख सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें करनी है और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये सारी चीजें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आईएलएस बहुत जल्दी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ आईएलएस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मेरे साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताए हैं ऊपर, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।